सो हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू दी अदर वीडियो। और आज की वीडियो हमारे पास है BS6 एक और बार, और BS6 में बताने वाले हैं आज फ्यूज़ बॉक्स के डायग्राम के बारे में। तो कौन सा फ्यूज़ किस चीज़ का रहता है उसी मतलब बताने के लिए वीडियो है, तो वीडियो को पूरा देखें। तो दिखाते हैं आगे की वीडियो। तो भाई ये आ चुकी है हमारे सामने BS6, और BS6 हमारे पहचान वाले लगेला भाई की है, ठीक है। इसमें हम बात करने वाले हैं आज फ्यूज़ बॉक्स के डायग्राम के बारे में। तो कौन सा फ्यूज़ किस चीज़ का रहता है और किस फ्यूज़ के मतलब उड़ जाने की वजह से गाड़ी बंद हो सकती है, या किस फ्यूज़ से कौन सी चीज़ वर्क करती है। तो पहले तो मैं ये बताऊंगा भाई, ये देखो फ्यूज़ बॉक्स के ऊपर ही पहले ये जो जितने भी फ्यूज़ रहते हैं उनके बारे में हर चीज़ की जानकारी लिखी रहती है। आप ये देख सकते हैं डायरेक्शन इंडिकेटर और आपका पोजिशन लैम्प, हाई बीम हेडलाइट की और लो बीम हेडलाइट का, इग्निशन पावर वगैरह वगैरह, ठीक है। तो कवर है तो आप कवर से इसकी जानकारी ले सकते हैं कि कवर से आपको इजीली वर्क मतलब पता चल जाएगा कि कौन सा फ्यूज़ किस चीज़ का है, ठीक है आपको। और दूसरी चीज़, आपको जो फ्यूज़ बॉक्स जैसा देख रहा है इसमें नीचे की साइड फ्यूज़ है और ऊपर की साइड फ्यूज़ नहीं है। तो ये फ्यूज़ बॉक्स अभी उल्टा लगा था, कवर जो है इस टाइप से लगा था। गाइस फ्यूज़ बॉक्स कुछ इस तरह से लगा हुआ रहता है। आप इस फ्यूज़ बॉक्स को यहाँ पे दो क्लिप रहते हैं, उनको दोनों को दबा के और जैसे निकालेंगे और उसके बाद आप इसको इस टाइप से पकड़ के देखेंगे, जिस तरह से इसमें फ्यूज़ लगे हुए हैं। ये नीचे साइड में इसमें फ्यूज़ है और एक रिले का लोकेशन है, यहाँ पर रिले है इसका, मोबाइल चार्जर का रिले। तो रिले इसमें एक ही है, ये देखो ये कॉर्नर में, और इसमें भी फ्यूज़ बॉक्स में भी कॉर्नर में ही लोकेटेड है। तो फ्यूज़ बॉक्स जो है वो इस टाइप से आप पकड़ेंगे, और इस टाइप से पकड़ के आप देखेंगे तो इसमें जैसा ये इसमें इंडिकेट करा हुआ है, देखो डायरेक्शन इंडिकेटर, मतलब आपका जो टर्न सिग्नल इंडिकेटर होता है वो इंडिकेटर का फ्यूज़ है। हॉर्न का है, केबिन लैम्प का है, एक तो हॉर्न जो है आपका बाहर लगा हुआ है उसका है, और एक केबिन लैम्प जो आपका यहाँ पे ऊपर लाइट लगी रहती है वाइट कलर की, ये इसका है, ठीक है। और तीसरा हम फ्यूज़ देखेंगे तो ये वाइपर सिस्टम का है, मतलब ये वाइपर, ये फ्यूज़ उड़ेगा तो वाइपर नहीं चलेगा। उसके बाद आपका रिवर्स का और इंजन कंपार्टमेंट के लैंप का है, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें बहुत सारे तरीके के फ्यूज़ हैं। तो आज बात करते हैं हम उन फ्यूज़ के बारे में जो फ्यूज़ उड़ जाने की वजह से आपकी गाड़ी बंद हो सकती है, क्योंकि मेनली क्या होगा, आपका हॉर्न नहीं चलेगा तो गाड़ी चल जाएगी, बाकी वाइपर नहीं चलेगा तो भी जैसे तैसे आदमी चला लेगा गाड़ी, हेडलाइट और मेन जो फॉल्ट आता है वो आपका स्टार्टिंग को लेके है। तो पहले तो मैं स्टार्टिंग की बात करता हूँ। इसमें स्टार्टिंग के दो फ्यूज़ इसमें देख सकते हैं आप दिखाए हुए हैं इग्निशन पावर के नाम से। अगर फ्यूज़ बॉक्स का कवर खो भी गया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सारी यहाँ पे BS6 में सेम इसी तरीके का मॉडल है और सेम इसी टाइप से फ्यूज़ है सारे आप BS6 में भी है, और मेरे ख्याल से अभी एक दो गाड़ी और अतुल वगैरह की भी आई है उनमें भी ऐसा का ऐसा फ्यूज़ कवर है, ठीक है। आपने पकड़ लिया इस फ्यूज़ बॉक्स को इस टाइप से, और आप देखेंगे इग्निशन पावर और इग्निशन पावर के दो फ्यूज़ दिए हुए हैं इसके अंदर। देखो आप एक इग्निशन पावर और इग्निशन पावर, दो फ्यूज़ इग्निशन पावर के हैं। तो ये दो फ्यूज़ आपके अगर उड़ते हैं तो आपकी गाड़ी कहीं भी बंद हो जाएगी, ठीक है। और जा रहा हूँ, हाँ एक मिनट रुको। तो ये दो फ्यूज़ जो हैं वो इग्निशन पावर के हैं, ठीक है। और बाकी इसमें और फ्यूज़ देखिए आप, लो बीम हाई बीम, ये हेडलाइट के हुए, हेडलाइट हाई बीम, हेडलाइट लो बीम, और ये पोजीशन लैम्प जो आपका पीछे पार्किंग लाइट जलती है, ये पार्किंग लाइट के दो फ्यूज़ हैं, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी अगर हम पीछे के कंपार्टमेंट की भी वीडियो बनाएंगे तो मैं इसको पार्ट वन करके अपलोड करूँगा, और पार्ट टू करके आपका जो पीछे का मतलब बैक साइड का इंजन कंपार्टमेंट है उसके मैं आपको अलग से एक और वीडियो बना के उस पर भी डिस्कशन से बात करूँगा, ठीक है। तो ये दो मेन फ्यूज़ हैं इसके, इग्निशन पावर और इग्निशन पावर, ये दो दिए हुए हैं। ये दो फ्यूज़ उड़ेंगे आपके तो आपकी गाड़ी कहीं भी बंद हो जाएगी, मतलब जो आपका इग्निशन है वो ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा, कुछ नहीं दिखाएगा। और फ्यूज़ अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इस साइड का फ्यूज़ निकाल के इस साइड भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लगा देंगे वापस, और यही थी अभी फ़िलहाल छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो और ये टॉपिक भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और फिर मिलूँगा मैं आपको अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।